हेलो दोस्तों, वृंदावन यात्रा के नवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं वृंदावन में यमुना नदी किनारे श्री कृष्ण की एक नटखट लीला से जुड़े उस स्थान के दर्शन कराने, जिसे आप भी जरूर देखना चाहेंगे। इस स्थान का नाम है चीरघाट। यहाँ श्री कृष्ण जी ने यमुना नदी में स्नान करती हुई गोपिकाओं को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्रों को चुराकर कदम के वृक्ष पर टांग दिया था। यहाँ कदम का एक विशाल वृक्ष है, जो श्री कृष्ण जी की उस लीला का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष भगवान कृष्ण की शरारतों का प्रतीक है, जो आज भी चीरघाट पर स्थित है। श्री कृष्ण की उस लीला के प्रति श्रद्धा के रूप में इस पेड़ की शाखाओं पर चीर बांधे जाते हैं। वास्तव में इस वृक्ष विशेष की ऐसी ख्याति है कि लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की सशक्त उपस्थिति को दर्शाते हुए आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों में इस बात को प्रचारित किया जाता है। इसलिए ब्रज रस या ब्रज का आनंद महत्वपूर्ण माना जाता है। एक शांत स्थल चीरघाट वृंदावन के आध्यात्मिक रस में रस लील होने की एक अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बैठकर आप नटखट भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाओं के बारे में चिंतन कर सकते हैं। वृंदावन के अंदर जो यमुना के घाट हैं, उन घाटों पर अपना अलग अलग महत्व है। तो यहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ चीर घाट पर। यहाँ श्री कृष्ण जी कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहीं से श्री कृष्ण जी ने इसी घाट पर यमुना जी के अंदर जब गोपियाँ निर्वस्त होकर नहा रही थीं, तो कृष्ण जी ने उन्हें समझाने के लिए गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं, वो यहाँ से जो चीर कही जाती हैं, उनको यहाँ पर इस टहनी से बांध के जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ हम पंडित जी से इस घाट के बारे में हम जानकारी लेते हैं और इस घाट का महत्व हम जानते हैं। इस स्थान पे आप लोग खड़े हो, स्थान का नाम बोलते हैं चीरघाट। यमुना पहले यहाँ बहती थी, यमुना की घाट है। यहाँ गोपियाँ नंगों के स्नान करती थी। भगवान छोटे थे, गोपियाँ बड़ी थी। गोपियाँ भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानती थी। भगवान उनको ज्ञान देने के लिए इस कदम के वृक्ष पर कपड़े लेके चढ़ गए। ये वृक्ष है 6000 साल पुराना। पहले यमुना मैया यहाँ घाटों तक बहती थी। इंसान ने कर्म छोड़ दिया है, गंगा यमुना ने घाट छोड़ दिया है। गंगा यमुना अपने अपने स्थानों को छोड़ के पीछे चली गई हैं। यहाँ गोपियाँ नंगों के स्नान करती थी। भगवान मना करते थे, हे गोपी लोग, आप जल के अंदर में नंगों के स्नान करती हो, अपनी आयु को कम करती हो, अपने परिवार की आयु को कम करती हो। गोपियाँ नहीं मानती थी। भगवान एक दिन आए चुपके से, गोपियाँ जल में नंगों के स्नान करने गई। भगवान श्री कृष्ण सारे गोपियों के कपड़े लेके इस वृक्ष के ऊपर में विराजमान हो गए जाकर के। तो गोपियाँ देखने लगी, हमारे वस्त्र कहाँ गए? भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं बैठ करके वृक्ष के ऊपर में। तो गोपियाँ बोलती है, हे कृष्ण, हमारा वस्त्र हमको वापस दे दो, हमको अपने घर जाना है। तो भगवान बोलने लगे, आप जल के अंदर से बाहर निकल के आइए, एक एक करके अपना वस्त्र लेकर के चले जाइए, मेरे को नहीं मालूम कौन सा वस्त्र है। तो गोपियाँ क्या बोलती हैं, प्रभु आप पुरुष हैं, हम नारी हैं, हम जल के अंदर से बाहर निकल के आएंगे, हम लोगों की लाज चली जाएगी। तो भगवान बोलने लगे, मैं तो 5 वर्ष का बालक, मुझको देख के लाज जाती है, पर जो दाढ़ी वाले बैठे हैं जल के देवता वरुण देव, उनसे लाज नहीं जा रही। आकाश में सूर्य देवता विराजमान है, उनसे लाज नहीं जा रही। गोपियाँ अज्ञान थी। जब गोपियों को ज्ञान हुआ है, तो भगवान को यहाँ गोपियों ने वस्त्र का दान दिया है। तभी से यहाँ गोपियों ने भगवान को कृष्ण रूप पति रूप में चाहा है। कृष्ण भगवान को हर गोपिया की यह तमन्ना थी, 16108 गोपियाँ थी, कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ वस्त्र का दान किया जाता है। सब जगह आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, कहीं भी तीर्थ में आप जाएंगे तो सारी जगह पुरुष लोगों का काम है। पूरे विश्व के अंदर में एक स्थान ऐसा है जहाँ माता बहनें वस्त्र का दान करती हैं। किस लिए करती हैं? कि जैसे महाभारत के अंदर में आपने द्रौपदी की लाज को बचाया, ऐसे ही प्रभु मेरे पे कभी संकट आए तो मेरी मेरे परिवार की लाज को बचा के रखना। कहीं सोना दान, कहीं चांदी दान, कहीं अन्न दान, यहाँ भगवान को वस्त्र का दान है। जो बोलते हैं, आग लगे नहीं चोरी होए, अन्न वस्त्र भोते राहू। एक बार प्रेम से बोलो, राधा रानी की, यमुना मैया की। तो अभी पंडित जी ने हमें यहाँ का महत्व बताया। तो पंडित जी, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो इमारत है, इसमें से भी कुछ वृक्ष नजर आ रहे हैं, वृक्ष की टहनियाँ नजर आ रही हैं। ये इसी का बच्चा है, अपने आप ही उधर दिखाइए। हाँ, 100 साल पुराना बच्चा है इसी का। इस पे से बीज उड़ करके चला गया वृक्ष पे, तो वो ब्रजी के अंदर से ही प्रकट हुआ है। ये नीचे नहीं है, ऊपर ही ऊपर है। ये भी कदम का वृक्ष है। हाँ, ये इसी का बच्चा है। अभी सावन का महीना आएगा ना, तो इसमें ना तो कोई पानी देता है ना कोई कुछ करता है, अपने आप ही कुदरती हरा भरा हो जाएगा। इस वृक्ष को पानी लगेगा, वो वृक्ष अपने आप ही हरा भरा हो जाएगा। तो इसमें जड़ वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, ये ऊपर ही ऊपर है, केवल ब्रजियों को फाड़ करके ऊपर ही ऊपर निकल गया ये वृक्ष। तो इसमें ये जो इमारत है, इस इमारत के ऊपर आपको एक वृक्ष की टहनी नजर आ रही है। ये इसकी बताया जाता है, इसकी कोई जड़ वगैरह नहीं है, फिर भी
ये इसी वृक्ष का एक हिस्सा है, जो ये वृक्ष हरा होता है पीछे वाला, तब उसके साथ में ये वृक्ष भी हरा हो जाता है। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो यहाँ इस घाट के बारे में आपने क्या सुना था? हम तो पहली बार ही आए, अभी कुछ सुना नहीं है हमने। कैसा लग रहा है आपके वृंदावन आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये देखिए, ये है यमुना नदी, इसी के तट पर वो वृक्ष था अभी हमने आपको दिखाया था। और ये है यमुना नदी, ये चीरघाट है। यहाँ चीरघाट पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वृंदावन जब आप आते हो तो कितना चार्ज लगता है नौका विहार का। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, हर एक घाट पर आपको नौका विहार करने को मिल जाती है। तो हम कुछ भैया से बात करते हैं, यहाँ कितना चार्ज ये लोग लेते हैं। भैया आइए थोड़ा। भैया कितना चार्ज लेते हैं इसका, नाव का? बहुत सस्ता चार्ज है, 20 रुपये सवारी है सामने पार का, आना जाना। अच्छा, अगर आप आर पार जाना चाहते हैं, यहाँ यमुना नदी क्रॉस करना चाहते हैं, तो 20 रुपये आपको चार्ज लगेगा। और भैया ये सभी घाटों का जो दर्शन कराने के लिए? सभी घाटों का 250 रुपये लगते हैं एक सवारी का। एक सवारी का 250 रुपये के लगभग ये लोग यहाँ लेते हैं। वैसे काफ़ी लंबा टूर होता है ये, एक डेढ़ घंटे का ये टूर होता है, और इसमें आपको प्रति सवारी 250 रुपये आपको यहाँ पे करनी है। तो भैया कितने चक्कर हो जाते हैं आपके दिन में? एक ही आवे बस। अच्छा, एक ही चक्कर होता है। तो अभी ये लॉकडाउन होने, अच्छा लॉकडाउन में तो आपका बहुत बहुत बुरा असर पड़ा होगा इस पे? वीडियो में सबको देख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी यात्री नहीं है, परदेशी नहीं है, यहाँ हम ही लोग हैं बस। देखिए आप बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया, यहाँ कोई यात्री आपको नजर नहीं आ रहा, बहुत कम यहाँ यात्री आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी और लॉकडाउन बढ़ सकता है सुनने में आ रहा है। तो आप देखिए, यही है वो यमुना नदी जिस पर जिसमें गोपियाँ स्नान कर रही थी और श्री कृष्ण जी ने मतलब उनके वस्त्र चुराए थे। ये देखिए, ये है यमुना नदी। तो यमुना की सफाई का काम भी चल रहा है, यमुना नदी अभी गंदी हो रही है, इसका काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो सरकारें हैं इस पर जल्दी से जल्दी कुछ इस पर कार्रवाई करें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।